जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकर्स एंड मिड कैप की मंडे को एक्सपायरी है। 15 से 19 अप्रैल 2024 के लिए है। आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे और आने वाले कल और नेक्स्ट वीक के लिए हमने तो जो ईरान और इसराइल के बीच जो सिचुएशन हुई है उससे लग रहा है कि बाजार एक बार नीचे की ओर तो जाना चाहिए, और अगर वो रुक जाती है तो ठीक है, 2-3 दिन 4 दिन के अंदर। अगर वो नहीं रुकती है तो ये लंबा खींचेगा, तकरीबन 4-6 महीना ये युद्ध चलेगा। मुझे तो लग रहा है क्रूड नेक्स्ट वीक में $100 हो जाना चाहिए। और डाटा देखा जाए तो डाटा भी खराबी है कल के लिए, मंडे के लिए। और US मार्केट भी अच्छा खासा इस हफ्ते में माइनस हुआ है, अच्छा खासा माइनस हुआ है। और जब हम लोग अभी हाई के पास ही है, तकरीबन 200 पॉइंट नीचे है, 750 से 200 पॉइंट नीचे है, तो यहाँ भी एक मुझे लग रहा है 22,200 तक आना चाहिए। और रिजल्ट का सीजन है तो अप डाउन होते रहेगा, मेजर वोलाटाइल होते रहेगा। ये शुक्रवार की समरी है। और शुक्रवार को देखिए, हम लोग ने 4 आइटम लिए थे लेकिन सभी अच्छे आइटम थे, लेकिन प्रॉफिट हम बुक नहीं कर पाए क्योंकि मैंने सोचा कि भाई कॉस्टिंग का स्टॉप लॉस डाल दो, हो सकते तो कल लंबा प्रॉफिट होता। लेकिन अचानक ये ईरान का न्यूज़ आने से बाजार बैक हो गया। तो सुबह निफ्टी का पुट दिलवाया था 50 में, वो 68 में 50% बिकवाया था। उसके बाद निफ्टी 22,800 का कॉल दिलवाया था 56 रुपया में, और वो वहाँ से 75 रुपये बिका। लेकिन मैंने लिख दिया था ब्रॉडकास्ट चैनल में कि भाई 56 या 53 का जो लो है उसका स्टॉप लॉस रखो, इसको होल्ड करके रखो, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी भी 125 में दिलवाया था, वो मैंने 175 हुआ तब मैंने बोला भाई टारगेट दे दिया था स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, कॉस्ट का स्टॉप लॉस बोला था, वो भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिन निफ्टी 38 से 39 से 32 का रेंज दिया था तो 30 रुपया 20 पैसा मारा था मेरा मैसेज देने के बाद, आधे पौने घंटे बाद, आधे घंटे समझ लिए 2:42 है ना, तो हाँ हो सकता है 15-20 मिनट बाद 3 बजे तकरीबन एक बार नीचे मारा था। उसके बाद फिर ऊपर ले गया था, ऊपर 40-42 तक गया था। और मैंने व्हाट्सएप में और वहाँ पर भी टेलीग्राम में भी दे दिया था BTST ले जा सकते हो 38 रुपया में। तो क्लोजिंग 40-15 का दिया है और स्टॉप लॉस 27 का दिया हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो 1,301 रुपया गेन किए, लेकिन ज़्यादा होता 2,500-2,500-3,000, 3 से 3,500 कल जमा होते, लेकिन वो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, हम सोचे लंबा प्रॉफिट खाएंगे तो उस वजह से। तो इस हफ्ते में सिर्फ 83 रुपीज़ 75 पैसे, सिर्फ 83 रुपया 75 पैसा ही जमा हुआ है। और काफ़ी लोगों का मेरे को मैसेज भी आया था कि सर सभी का बैलेंस शीट, कॉल वाले को भी प्रॉफिट नहीं हो रहा और पुट वाले को भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, लास्ट फरवरी एंड से यानी मार्च और अप्रैल आधा 1.5 महीना हो गया, किसी को भी ऐसा कोई बड़ा बेनिफिट नहीं हो रहा, मार्केट वही रेंज बाउंड में खिला रहा है, किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो इसका मंडे टू फ्राइडे फी है 700 रुपया और मंथली है 2,000 रुपया। और नोट करिएगा, वी आर प्रोवाइड ओनली लेवल टिप्स, नहीं देता हूँ। तो आप QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट भेज सकते हो, फीस भेज सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल के मुझे बता सकते हो। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कॉमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज़ प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल HM स्टॉक्स बियर्स। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पज ओनली, एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। आज FII ने इंडेक्स में 4156 करोड़ का बाई किए, सेल किए 6,152 करोड़ का, नेट में 1997 करोड़ का सेल किए। FII ने FNO स्टॉक्स में नेट में 6,859 करोड़ का सेल किए, और FII ने कैश में भी 8,027 करोड़ का सेल किए, और DII ने 6,342 करोड़ का बाई किया। तो FII को एग्जिट में आपको पिछले सप्ताह भी बोला था, ये जो मिड कैप और ये सब बढ़ा रहे हैं FII को एग्जिट करने के लिए, ये मैंने 2 सप्ताह से बोल रहा हूँ, आज ये 3रा सप्ताह है शायद, तो 3 सप्ताह सब बोल रहा हूँ कि FII को एग्जिट करने के लिए बाजार को ऊपर ले गए हैं। देख लीजिए क्या है, कैश में भी बेचा है, FNO में तो बेच ही रहे वो लोग, कैश में भी अच्छा बेचा है इस हफ्ते।
ये डाटा सीट है 12 अप्रैल की और 15 अप्रैल को कैसा रहेगा आपने उसकी एनालिसिस करें। क्लाइंट ने बोध की है 19,902 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 3814 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। डीआई ने 2800 कॉन्ट्रैक्ट बोध की है, तो नेट में वो 16621 कॉन्ट्रैक्ट माइनस में है। एफआई ने सोल्ड की है 17834 कॉन्ट्रैक्ट, नेट में वो अब लॉन्ग में है 33448 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किया 4868 कॉन्ट्रैक्ट, तो वो नेट में 20641 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने आज जम के लिया बोध किया 261708 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 31133 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। एफआई ने सोल्ड किया 1502 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में अभी भी वो लॉन्ग में है 41587 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 161206 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अब लॉन्ग से शॉर्ट में आ गए 72720 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स फुट में देख लेते, क्लाइंट ने आज जम के सेल किए 177653 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 432609 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गए। एफआई ने सोल्ड किए 26470 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी लॉन्ग में है 159020 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने बोध किए 204723 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 223142 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में लॉन्ग में पुट में। ओवरऑल समरी देखा जाए तो डाटा फुल्ली बेयरिश है। अब गैप डाउन ही खुलना चाहिए मंडे को, अब कितना खुलता है वो मंडे का एशियन मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर और डाउ फ्यूचर क्या रहेगा तभी मंडे को पता चलेगा अपने को। वीकली लेवल 15 से 19 अप्रैल 2024 के लिए बैंक के स्पॉट बिलो 55,000 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 54,550-54,225, रेजिस्टेंस ऊपर में 55,340-55,800। मंडे 15 अप्रैल 2024 के लिए बैंक के स्पॉट बिलो 54,980 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 54,700-54,500। मंडे को इसका एक्सपायरी है, रेजिस्टेंस ऊपर में 55,160। इंट्राडे मंडे 15 अप्रैल 2024 के लिए बैंक के 54,500 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहां 160 के पास लीजिए, सपोर्ट 105-78, रेजिस्टेंस 260 का रहेगा क्योंकि गैप डाउन ही खुलेगा तो 54,800 बंद दिया हुआ है, तो वहां से 300 पॉइंट पकड़िए या 400 पॉइंट नीचे भी खुलता है तो उसके बाद थोड़ा 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 धीरे धीरे रिकवरी होगा, तो हो सके तो 105-78 के पास लीजिए जीरो हीरो के लिए, क्यों के प्रीमियर मीटिंग होगा तो उसके बाद अगर 54,500 के ऊपर बंद देगा तभी आपको कॉल में फायदा होगा। तो ये आपको देख के लेना कि जितना नीचे हो 30-40-50 रुपये के पास वहाँ ले सकते हो, या तो जो मैंने लेवल दिया वहाँ से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और ट्राई करिए, और रेजिस्टेंस मैक्स टू मैक्स 260। इंट्राडे मंडे 15 अप्रैल 2024 के लिए बैंक के 54,700 का पुट वीकली वाला, अबव 92 के ऊपर बाई जोन, क्योंकि गैप डाउन ही खुलेगा तो क्लोजिंग के ऊपर है बाई जोन तो चांस ही नहीं मिलेगा, सपोर्ट 52-24, रेजिस्टेंस 122-153-184-245 तक बिक सकता है, जीरो या हीरो ये रहेगा। वीकली लेवल 15 से 19 अप्रैल 2024 के लिए सेंसेक्स पोर्ट बिलो 74,500 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 73,900-73,600, रेजिस्टेंस ऊपर में 74,850-75,450 तक जा सकता। 15 से 19 अप्रैल 2024 के लिए और 15 अप्रैल मंडे के लिए गुजरात गैस लिमिटेड एबो 562 के ऊपर बाई जोन रहेगा, 60-55 का क्लोजिंग दिया है तो 62.5 के ऊपर चले तभी बाई रहेगा मंडे के लिए, नीचे में सपोर्ट 556-552। अगर गैप डाउन खुलता है तो ये नीचे खुलेगा तो 552 के पास मिले तो आप ले सकते हो, और रेजिस्टेंस ऊपर में 566-572, और वीकली में भी मैंने दिए हुए हैं कि 561-50 के ऊपर क्लोजिंग दे तभी बाई करिए, और रेजिस्टेंस ऊपर है 571-582-592, सपोर्ट नीचे में 551-543 का सपोर्ट से ले सकते हो। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए, डेली वीकली मंथली सब दिए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। ये लेवल मूविंग एवरेज को भी लेकर भी आप स्टॉप लॉस लगा के भी बाई सेल कर सकते हो। 570 का कॉल मैंने दिया है, 12.60 रुपये के ऊपर हो तभी बाई करना है, क्लोजिंग 12.25 का दिया है। अब बाजार तो गैप डाउन ही खुलेगा
तो हो सकता है आपको 9:35 के पास मिले तो वहाँ लीजिए 1 से 1.25 रुपये का स्टॉप लॉस, 7:30 का स्टॉप लॉस रखिए 1.5 रुपये का, और वहाँ से वो पहला 12:60 आएगा, 12:60 को पार करेगा तभी 15:40 और 18 पैसे। और उसी तरह मैंने 550 का पुट दिया अप्रैल एक्सपायरी वाला, जहाँ अबव 10 रुपये 40 पैसा, क्योंकि गैप डाउन खुलेगा तो ये 10:40 के ऊपर ही खुलेगा क्लोजिंग के ऊपर, तो ऊपर में 11 रुपये 92 पैसा और 13:40, तो 13:40 के पास चाहे तो आप बेच सकते हो 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, सिर्फ ओनली 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के। वीकली लेवल 15 से 19 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 10,890 के नीचे, सेल जोन सपोर्ट 10,745 10,550, रेजिस्टेंस ऊपर में 11,080 11,220 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.96 मैं बनाता हूँ 1.06। इंट्राडे मंडे 15 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 10,965 के नीचे सेल जोन, क्योंकि गैप डाउन खुलेगा तो सपोर्ट 10,900 और 10,865 मुझे लग रहा है 10,900 के पास ही खुलना चाहिए आसपास कहीं भी, और रजिस्टर ऊपर में 11,002 मंडे को इसका एक्सपायरी है। इंट्राडे मंडे 15 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,900 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे 23 से 15 के पास लीजिए, क्यों अपने पास ऑप्शन नहीं है, गैप डाउन ही खुलेगा तो सपोर्ट नीचे में 7.65 और 3.65 वेट कीजिए, बैठिएगा आराम से क्योंकि प्रीमियम डीके भी होगा, एक्सपायरी है उसलिए, तो हो सकता है 15 के नीचे भी मिले 7 रुपया 3 रुपये, क्यों अगर समझ लीजिए 10,900 के ऊपर एक्सपायरी होती है तभी आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो ये आपको पूरा प्रीमियम मीटिंग कर लेंगे। ऊपर में रजिस्ट्रेशन 38 और 48। इंट्राडे मंडे 15 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,900 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 15 रुपये 25 पैसे के पास लेना है, अगर आप गैप डाउन ही खुलना है मार्केट तो वो ऊपर ही खुलेगा, तो ऊपर में 51 और 70 का वहीं 51 के पास खुलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कोई चांस नहीं रहता है, अगर लेना हो तो 1:30-2 बजे के बाद एक चांस लेना हो तो 6 रुपया के 3 रुपये के पास मिले तभी चांस लेना चाहिए। वीकली लेवल 15 से 19 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 22,600 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 22,425 22,325 और 22,161, रेजिस्टेंस ऊपर में 22,700 और 22,800 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.87 मैं बनाता हूँ 0.91। मंडे 15 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 22,519 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 22,425 22,360, रेजिस्टेंस ऊपर में 22,583 22,660 तक भी जा सकता है, क्यों मंडे दोनों साइड रहेगा मार्केट। इंट्राडे मंडे 15 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी 22,400 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 110 के पास लीजिए, सपोर्ट 65 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 171 का। इंट्राडे मंडे निफ्टी 22,500 का पुट वीकली वाला अबव 99 के ऊपर 22 जोन, सपोर्ट 55 40, रेजिस्टेंस ऊपर में 111 133 155 तक जा सकता है, अगर सेल करना हो तो 175 के पास 10-15 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दें। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को प्रेस बटन के लाइक कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिस लाइट्स वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। वीकली लेवल 15 से 19 अप्रैल 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट अबव 21,600 के ऊपर 22 जोन और 21,600 के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो सेल जोन रहेगा, सपोर्ट 21,415 21,315 और 21,145, रेजिस्टेंस ऊपर में 21,700 और 21,860। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.75 मैं बनाता हूँ 0.95। मंडे 15 अप्रैल 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 21,560 के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 21,450 का और 21,375, गैप डाउन खुलेगा तो समझ लीजिए सपोर्ट पहला सपोर्ट के पास ही खुलना चाहिए 21,450 के पास, उसके बाद वहाँ संभलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो 375 तक आ सकता है। ऊपर में रेजिस्टेंस 21,630, मंगलवार को इसका एक्सपायरी है 0-0।
मंडे 15 अप्रैल 2024 के लिए। फिर निफ्टी 21,500 का कॉल है वीकली वाला, बिलो 126 के नीचे सेल जोन, क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन, ऊपर में रेजिस्टेंस 160 का, सपोर्ट 80 रुपया 40 रुपया, बाइंग 21 रुपया आ रहा है तो 21 के पास कीजिए या 15 के पास कहीं भी कर सकते हो। इसको हीरो जीरो के हिसाब से लेके भी जा सकते हो क्योंकि मंगलवार को इसका एक्सपायरी है। इंट्राडे मंडे 15 अप्रैल 2024 के लिए फिर निफ्टी 21,400 का पुट वीकली वाला, अबव 40 के ऊपर बाय जोन, सपोर्ट नीचे में 25 का रहेगा। बीटीएसटी हम लोग ये 32 में दिया था और लास्ट में मैंने टेलीग्राम में लिखा था 38 के पास, तो हम लोग के पहले 32 में ही लेके गए थे तो उसलिए मैंने बीटीएसटी 32 का लिखा है, तो चाहे तो आप 38 का भी मान सकते हो। रेजिस्टेंस ऊपर में 56, 72 और 88 तक कल जाना चाहिए, इसके ऊपर भी लेवल है तो वो मैं ब्रॉडकास्ट चैनल में दे दूंगा और हम लोग जो लेके गए उसको देखेंगे सोमवार को कहाँ निकालना। वीकली लेवल 15 से 19 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट अबव 48,700 के ऊपर बाई जोन, उसके नीचे हो तो सेल जोन, सपोर्ट 48,300, 48,050 और 47,675 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 48,939 और 49,300 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.78, मैं बनाता हूँ 1.01। मंडे 15 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 48,640 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 48,400, 48,200, रेजिस्टेंस ऊपर में 48,800 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 15 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी 48,700 का कॉल वीकली वाला, बिलो 258 के नीचे सेल जोन में, क्लोजिंग के नीचे हो तो भी सेल जोन, गैप डाउन ही खुलेगा, मौका तो मिलेगा नहीं, तो सपोर्ट 120 रुपया और 75, बाइंग करना हो तो 51 के पास, और इसको होल्ड करिएगा तो हीरो जीरो में अच्छा मुनाफा शायद मिल सकता है। बुधवार को या गुरुवार को है, अच्छा टाइम है, नहीं इसको मत होल्ड कीजिए। रेजिस्टेंस 340 का। इंट्राडे मंडे 15 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी 48,300 का पुट अबव 110 के ऊपर बाय जोन, सपोर्ट 41 का, अब गैप डाउन ही खुल जाएगा तो ऊपर ही खुलेगा, 145 और 210 तक ये जा सकता है। दिस लाइट्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।